स्वागत है SBT चेला। आज हम इस चैनल पे पढ़ने वाले हैं यूनिट फर्स्ट का सेकंड लेक्चर, पिक्सल क्या होता है, पिक्सल के बारे में। ठीक है, देखिए पिक्सल जो है दो शब्द से बना होता है, पिक्स एंड ईएल। पिक्स का मतलब होता है पिक्चर, ईएल का मतलब होता है एलिमेंट्स। पिक्चर और एलिमेंट्स मिलके पिक्सल बना होता है। ठीक है, इससे पता चलता है पिक्चर का जो भी एलिमेंट्स है, पिक्चर बनने में जो भी एलिमेंट्स लगता है, ठीक है, उसी को पिक्सल बोलते हैं, चाहे वो स्मॉलेस्ट डॉट्स ही क्यों ना हो। इन डिजिटल इमेजिंग अ पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन इन एन इमेज अरेंज्ड इन टू डी डायमेंशनल। टू डी डायमेंशनल यानी कि दो डायमेंशनल वाले बोले तो रो एंड कॉलम्स, रो एंड कॉलम्स में जो भी इमेज अरेंज होता है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में, उसी को पिक्सल बोलते हैं। हर एक पिक्सल डॉट्स के फॉर्म में होता है, स्क्वायर के फॉर्म में होता है, रेक्टेंगल्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट इमेज देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि क्या होता है। देखते हैं, पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्प्ले ऑन वीडियो मॉनिटर। वीडियो मॉनिटर पे जो भी छोटा छोटा यूनिट दिखता है वही है पिक्सल। इंटेंसिटी ऑफ इच पिक्सल इज वेरिएबल्स, हर एक पिक्सल का इंटेंसिटी एक वेरिएबल होता है, यानी कि वेरी करते रहता है। ये देखिए, ये गर्ल्स गर्ल्स का जो इमेज है पिक्सल्स के फॉर्म में है। यहाँ पे आपको ग्रिड दिख रहा होगा, यानी कि रो एंड कॉलम्स दिखता होगा। रो एंड कॉलम्स में हम पिक्सल्स को कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ इसका आंख, यानी कि स्क्वायर फॉर्म में है। नहीं, हर एक स्क्वायर मिलके ही पिक्सल से बनता है, कोई भी इमेज बनता है यानी कि वो पिक्सल से मिलके ही बनता है। पिक्सल जो है रेक्टेंगल या स्क्वायर या सर्कल फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स और वाई को दिखाया गया है, ये जो है कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, किस फॉर्म में, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। ठीक, नेक्स्ट इमेज देखते, ये भी पिक्सल्स का ही इमेज है। अगर डीप देखा जाए तो इसमें तो आँख दिखता होगा, एक आई है, बट ये जो बनाया गया है आई पिक्सल्स के हेल्प, इसमें फुल्ली पिक्सल हेल्प लिया गया है। ठीक है, एक एक यानी कि एक एक जो इसका सेक्टर है, हर एक स्क्वायर में कलर डिफरेंट डिफरेंट डाल के एक ऑब्जेक्ट तैयार किया गया, जो कि आई का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखते हैं, पिक्सल जो है तीन कंपोनेंट से बना होता है, रेड ग्रीन और ब्लू। ठीक, RGB जानते होंगे, पिक्सल RGB से बना होता है, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू। रेड का 8 बीट्स, ग्रीन का 8 बीट्स एंड ब्लू का 8 बीट्स, तीनों का 8-8 बीट्स, यानी कि 8 बीट्स इक्वल टू 1 बाइट। अगर पूछा जाए एक पिक्सल में कितना बाइट होता है तो बोलेंगे 3 बाइट्स, और वही बीट्स में पूछा जाए तो 24 बीट, क्योंकि 8 बीट तो हो गया 24 बीट। ठीक, पिक्सल्स का न्यूमेरिकल वैल्यू देखा जाए केवल रेड के लिए 2 to the power 8, 8 क्यों लिए, क्योंकि 8 बिट्स होता है, इसीलिए 2 to the power 8 करेंगे तो आएगा 256, यानी कि एक कलर में 256 वैल्यू होगा 0 to 255 तक। ठीक है, उसी तरह से 256 शेड्स होगा ग्रीन का, 256 शेड्स होगा ब्लू का। अगर टोटल शेड्स पूछा जाए तो 256 into 256 into 256, 3 times मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टोटल होता है वही 16 मिलियन। ठीक है, 16.7 मिलियंस ऑफ कलर्स से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन जो है, फाइंड द साइज ऑफ पिक्चर्स इन MB इफ द डायमेंशंस ऑफ द इमेज आर 223 by 226। यानी कि हमको कोई भी पिक्चर या फिर इमेज का डायमेंशन दिया हुआ है, हमको पिक्चर्स का साइज MB में निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, तो जो भी चीज़ दिया है, गिवन डायमेंशंस आर 223 by 226 लिख दिए, उसका यानी कि लेंथ और विड्थ दिया हुआ था, तो एरिया निकाल देंगे, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया आ जाएगा 50,398। फिर देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि एक पिक्सल में 3 bytes होता है। ठीक है, तो वो जो 3 bytes है और जो एरिया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लगभग साइज जो था आ जाएगा 50,398 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 151.194 bytes आएगा। फिर इस बाइट को 1024 से भाग देके KB में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 151.194
194 को डिवाइड करेंगे 1024 से तो 147.65 केबी आएगा। फिर इस केबी को 1024 से भाग देके एमबी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो लगभग 0.14 एमबी के आसपास इसका साइज होता है, ठीक। क्यों ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय SBTE चेला एंड डायरेक्टर राकेश रोशन, को डायरेक्टर प्रिंस रोमियो। थैंक्स।